महंगे महंगे ऑटो स्विच का टेंशन खत्म, अब सिर्फ बनाइए 10 रुपए में ऑटो स्विच, ताकि हमें रात को जब 1-1.5 बजे लाइट आती है तब खेत में आना ना पड़े। बहुत आसान तरीका है और ये हम कनेक्शन करके भी बताएंगे, तो वीडियो में हमारे अंत तक बने रहेगा। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे अपने चैनल इंडियन एग्रीकल्चर और मॉडर्न फार्मिंग में। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम एक ऑटो स्विच, जो 10 या 15 रुपए में है, हम एक ऑटो स्विच कैसे तैयार कर सकते हैं हमारे मोटर के लिए, ताकि हमें रात को 1-1.5 बजे हमें हमारे खेत में जाना ना पड़े। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जो हमारे स्टार्टर के मेन कनेक्शन के जो फ्यूज़ होते हैं, अगर आपके पास स्विच है तो स्विच ऑफ़ कर देना है, या तो फ्यूज़ है तो फ्यूज़ हमें निकाल लेना है। ये हमने ये तीनों फ्यूज़ निकाल लिए हैं, देख सकते हो आप। उसके बाद जो ये बटन होता है आप देख सकते हो, ये ऑन ऑफ का बटन है, तो इससे हमें कनेक्शन कर लेना है ये दोनों। ये नट बोल्ट खोल के हमें ये वायर लगा लेनी है। वायर थोड़ी हेवी लगा ले, ताकि ये वायर जले ना, ज़्यादा टाइम तक टिके। तो हमें ये हमने बटन का कनेक्शन कर लिया है, और ये इसका जो वायर है, एक वायर है, ये हमें यहाँ पे टाइट करना है। तो आप देख सकते हो, ये मैंने फ्यूज़ निकाल लिए है, तो एक वायर हमें यहाँ, ये जो सेंट्रल बॉक्स होता है उसका जो लास्ट वाला राइट वाला जो बॉक्स होता है, यहाँ हमें एक वायर लगा लेना है। तो ये आप देख सकते हो, ये एक वायर हमें यहाँ लगाना है, जो सेंट्रल बॉक्स होता है, जो किट लगाते हैं जिसमें हम, वो जो बॉक्स होता है, इसका एक वायर यहाँ जो ब्लू वाला वायर होता है उसके पास लगाना है, और दूसरा जो वायर होता है जो हमारे मेन कनेक्शन के रिले के पास से, जो मेन कनेक्शन का जो ये पीला वाला वायर आता है उसके नीचे यहाँ पे लगाना है। हम देख सकते हो, ये जो ऑन बटन का कनेक्शन आता है, ये देख सकते हो पीला वाला, यहाँ पे हमें एक वायर जोड़ लेना है। ये वायर हमें यहाँ ब्लू वाले वायर के साथ और एक पीले वाले वायर के साथ जोड़ लेना है। ये कनेक्शन कर देने के बाद, जो दोस्तों हमारा जो बीच वाला जो फ्यूज़ होता है, ये काम हमें कभी भूलना नहीं है, वरना जब हमारा फ्यूज़, जो बीच वाला फ्यूज़ है, ये वाला, ये स्टार्टर का ब्लू वाला, ये बीच वाला जो स्विच है, ये अगर उड़ जाता है तो हमारी स्टार्टर बंद नहीं होगी, इससे हमारी मोटर जलने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए जो सेंट्रल वाला जो बीच वाला जो स्विच होता है, इससे थोड़ी हेवी तार से बांधना है ये स्विच, और ये दोनों साइड वाले जो होते हैं, जो हमारी फ्यूज़ तार होती है, जो 20 गेज की या 22 गेज की जो तार होती है, उससे हमें बांधना है, ताकि ये फ्यूज़ अगर उड़ जाते हैं जे साइड वाले, तो इससे हमारा स्टार्टर अपने आप बंद हो जाएगा। अगर ये बीच वाला उड़ जाता है तो हमारा स्टार्टर बंद नहीं होगा, और हमारे मोटर जलने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए ये बीच वाला जो फ्यूज़ होता है, इससे थोड़ी ज़्यादा गेज वाली तार यूज़ करके उसे हम डबल करके बांध सकते हो, और ये जो साइड वाले फ्यूज़ होते हैं, इसमें जो हमारे रेगुलर वायर होता है, फ्यूज़ वायर, वो बांध सकते हैं। इससे हमारे मोटर जलेगी नहीं, और हमें रात को खेत में भी आना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, हमारे ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।